हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं बताने वाला हूँ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने फिजिक्स का लेक्चर जो डाला हुआ था, तो कुछ बच्चे का कमेंट आया आज मॉर्निंग में कि सर मुझे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को समझना है। तो मैं सोचा कि आज ही मैं उनको बता दूँ ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो, कोई कन्फ्यूज़न ना हो उनको, क्योंकि स्ट्रेट लाइन को समझना बहुत ही ज़रूरत है। 11th के चैप्टर मैथमेटिक्स में है, तो टीचर अभी पढ़ाने में बहुत समय लगेगा क्योंकि मैथमेटिक्स का शुरू का पार्ट है नहीं एक्चुअली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो मैं बेसिक बताने वाला हूँ, वो भी शॉर्ट ट्रिक, मात्र 4 सेकंड में कोई भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का आप ड्रॉ कर पाइएगा। पहले आप इस चैनल पर आए हैं तो आप पहले एक नोटबुक लीजिए, एक पेन लीजिए, ठीक है, और इसको लिखना चालू करिए। ऐसे तो पता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, लेकिन आज इसका एक्चुअल मतलब बताएंगे आप क्या है। देखो, एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। देखो, कहीं भी अगर लिखा वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, प्लस माइनस कर लो और बेटर रहेगा, क्योंकि देखो प्लस माइनस से मतलब होता है कि वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, एक बार वाई बराबर एम एक्स माइनस सी, ठीक है, दो हुआ। ठीक है, देखो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा 2x-3, या देखो वाई बराबर 2x-1, या प्लस कर देगा। तो देखो कभी प्लस में रहेगा, कभी माइनस में रहेगा, ठीक है। तो इससे हम समझे, अब देखो वाई क्या है, इन दोनों इस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। एम क्या है, एम एम है, एम क्या है, तो स्लोप है। क्या है? स्लोप। अब स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, या y2-y1, x2-x1, या अभी कुछ मत समझो, ये है क्या, अभी कुछ मत जानो, अभी हम ड्रॉ करने वाले हैं ग्राफ, ठीक है। तो ये झलक था, चलो अभी कुछ मत समझो, बस खाली देखो कि मैं कर क्या रहा हूँ। बस 4 सेकंड में कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर देना बिना देखे हुए, आंख मूंद करने, जैसे सूरदास नहीं थे, आंख मूंद के ही सारी चीज पकड़ लेते थे, वैसा ही तुम लोग भी करना एकदम। अभी बोलेंगे तो कहोगे ना फेंक रहा है, तो मैं ज्यादा नहीं बोलता बेटे। चल देखो, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, वाह यहाँ पर लिख दिए हैं, पढ़ लेना है। एम क्या है, तो स्लोप है। सी क्या है, तो इंटरसेप्ट ऑफ वाई, ठीक है। अब देखो मात्र 6 रूल है, 1 2 3 4 5 6, इसको अगर जान गए तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का तुम मास्टर हो, यू आर द मास्टर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो चलो मैं जानता हूँ, चल तेजी बताते हैं, ठीक है। वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, यह है मेन एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब सुनो, इफ द वैल्यू ऑफ एम, थोड़ा इंग्लिश समझ लेना है, ज्यादा इंग्लिश भारी में लिखता हूँ। इफ द वैल्यू ऑफ एम इज पॉजिटिव, मैंने कहने का मतलब है ना कि एम का मान अगर प्लस हुआ, देन तब ग्राफ पासिंग थ्रू फर्स्ट एंड थर्ड। अगर एम का मानवा अगर प्लस हुआ, पहला नंबर देखो, इसका एकदम एक्सप्लेन कर रहे हैं एकदम इजी वे में, ठीक है। अगर एम का मान प्लस हुआ तो ग्राफ हमेशा पहला एंड थर्ड से गुजरेगा, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। जैसे देखो, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो देखो, जब एम का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव मैंने प्लस प्लस, ठीक है, आ गया, तो ग्राफ हमेशा इसमें और इसमें गुजरेगा, चाहे वो यहाँ से गुजरे, चाहे 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 यहाँ से गुजरे, माने गुजरेगा, पास करेगा हमेशा इधर से इधर, इधर से इधर। दिमाग वह खोल लो एक बार, जो बोल रहे हैं, कोई ग्राफ देगा तो कहेगा अगर एम पॉजिटिव है तो पट 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 आंख मूंद कैसे मार देना, मार देना, मार देना। हाँ, अब कहाँ से गुजरेगा, यहाँ की यहाँ की यहाँ, कौन बताएगा? सी बताएगा। तभी एक एक को पढ़े हैं भाई साहब, तभी और पढ़ लेने दो आगे मुझे। चलो अब वीडियो पॉज करके अपना देखते रहना, मैं मिटा रहा हूँ, मेरे पास जगह बहुत ही कम है, ठीक है। कुछ दिमाग में घुसा जी? नहीं नहीं घुसा। आज मैसेज आया कि सर मुझे स्ट्रेट लाइन बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं सोचा यार तुम पूछो, मैं ना बताऊं, ऐसा टीचर होना चाहिए ना, कभी कभी अपने से बड़ाई कर लेता हूँ। चलो देखो, इफ द वैल्यू ऑफ एम इज पॉजिटिव, तो कहाँ से गुजरेगा? पहला, और देखो पहला और तीसरा से। अगर ये वाई बराबर एम एक्स माइनस सी, वही एक्सप्रेशन, अगर इसमें एम के मान, या प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो जो भी कर लो, एम के मान अगर नेगेटिव आया,
अगर एम का वैल्यू नेगेटिव आया, देखो ना पढ़ो, इफ द वैल्यू ऑफ एम इज नेगेटिव देन द ग्राफ पासिंग थ्रू सेकेंड एंड फोर्थ, मतलब है देखो भाई पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है ना, तो ग्राफ हमेशा अगर एम नेगेटिव है तो ऐसे गुजरी, ऐसे गुजरी, ऐसे गुजरी, ऐसे गुजरी, ऐसे गुजरी, बीचों से गुजरी, नीचों से गुजरी, ऊपरों से गुजरी, मतलब पास करता रहेगा ऐसे 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 ऐसे। अगर वही पॉजिटिव रहता तो ऐसा 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 पास करता। समझ में आया? देख अगर तुम YouTube खोजोगे ना तो इतना ना लैंग्वेज बता देगा सब कि तुम कंफ्यूज हो जाएगा करबो करबो का। तो इसीलिए मेरा लेक्चर देखो, एक एक मात्र एक भी एक वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है स्ट्रेट लाइन का। इसी को जानते हो कितना चैप्टर पढ़ना पड़ेगा तुम्हें स्ट्रेट लाइन में, तब तो जाके समझ में आता है कि ग्राफ कैसे किधर से किधर गुजर रहा है ना। तो कुछ तो टीचर क्या करता है, एक्स जैसे मान लो वाई बराबर 2x+3 दे दिया, तो कहेगा एक्स बार एक बराबर 0 रखो इसमें, तो वाई बराबर 3, तो कहेगा 0 3, फिर कहेगा वाई बराबर 0, तो कहेगा तो वाई बराबर 0 रखोगे तो इधर 0, इधर ये, इधर x+3, तो यहाँ 2x-3, तो x=-3/2, तो -3/2। अब जाके ग्राफ खींचेगा जितना बाबू ना झुंझुना। अगर से छोटा छोटा है तो समझ में आया, बड़ा बड़ा रहता तो कैसे बनाओगे। तो इसीलिए मैं इस मेथड को प्रीफर नहीं करता हूँ क्योंकि मैं जेई का टीचर हूँ, ठीक है। तो मैं जेई या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूँ, केवल शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि आने वाला समय में सभी चीज ऑब्जेक्टिव होने वाला है, बोर्ड भी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, तो उस समय कौन याद करोगा जरा, सभी याद कर लो बे, काहे के बाद नहीं याद करोगे। भवानी भाई के कसम देते हैं एकदम, पढ़ लेना। चल देखो एम पर सबसे पहले कोई भी ग्राफ देगा, ठीक है, तो उसके एम पर ध्यान देना। एम पॉजिटिव तो ग्राफ पहला एंड तीसरा, एम नेगेटिव तो ग्राफ दूसरा एंड चौथा। इज इट क्लियर? चलो आई थिंक ऑल आर क्लियर। ओके अब देखो जो तुम बोल रहे हो कि जैसे एम आ गया पॉजिटिव, ठीक है, तो तुम्हें पता है ग्राफ ऐसे 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 गुजरेगा, ठीक। बात बताओ ये कौन बताएगा कि ऊपरवा से गुजरेगा कि बीच से गुजरेगा कि नीचे से गुजरेगा, ये सी बताएगा। तब देखो इसका भी रूल है चार गो, अगर सी सी क्या है पॉजिटिव है, सी क्या है माने सी अगर प्लस में है, ठीक है, तो ग्राफ विल पास ओवर द ओरिजिन। देखो और मान लो एम का मान 2 है माने प्लस 2 है, समझ लो 2 नहीं हुए प्लस नहीं भी लिखते तो चलता है, तो तुम्हें पता है एम पॉजिटिव है तो इधर से गुजरेगा। अगर सी भी पॉजिटिव है तो ग्राफ हमेशा ऊपर से गुजरेगा, ऊपर से। देखो भाई बीच वाला होता है, नीचे वाला कहलाता है, ऊपर वाला कहलाता है, भाई ऊपर आई डाउन कहलाता है, ठीक है, डाउन। तो देखो क्या कर रहा है, सी इज पॉजिटिव द ग्राफ पासिंग ओवर द ओरिजिन, हाई ओरिजिन, इसको ओरिजिन बोलते हैं। रुको मिटा कर बढ़िया से लिखते हैं, देखो थोड़ा समय ले रहे हैं समझाने के लिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो कि तुम बोर भी हो रहे हो, बोर भी नहीं हो रहे होगा मुझे पता है, क्योंकि मैं समझाऊंगा तुम बोर हो जाए, ये हो ही नहीं सकता यार, ठीक है। चल आओ मेरी जान, देखो कैसे बताते हैं तुम्हें। ये रहा, नीचे आ जा जाए मेरी, हाँ ये मेरी पेन मेरी जान है, मैं इससे ही इतिहास रचूंगा, क्योंकि इतिहास कैसे तुम जेई का लोग हैं, इतिहास रचेंगे मैं। चल दे अब देखो, अगर पहला केस देखो, पहला है एम पॉजिटिव और सी भी पॉजिटिव, तो देखो ना एम पॉजिटिव तो ग्राफ कैसे जाएगा, पहला तीसरा जाएगा इससे इससे, इसमें 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 इसमें, माने इधर से इधर ही जाएगा, इधर से इधर। लेकिन सी भी पॉजिटिव है तो ग्राफ विल देखो ना पास ओवर द ओरिजिन, माने ऊपरवा से जाएगा ऐसे, चाहे ऐसे चाहे ओई से, चाहे ओई से ऐसे जाएगा नहीं, क्योंकि ओरिजिन के नीचे है, ओरिजिन से जाएगा नहीं क्योंकि ओरिजिन पर देखो कार वो पास दो ऊपर, तो मतलब ये दोनों गलत है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ठीक है। अब आओ दूसरा केस, अगर सी नेगेटिव हुआ तो देखो इसके लिए क्या है, इफ सी इज नेगेटिव देन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन, बिलो द ओरिजिन, सॉरी बिलो द ओरिजिन, माने ग्राफ तो जाएगा पहले तीसरे में जाएगा लेकिन नीचवा से जाएगा, नीचवा से, नीचवा से, कोई एगो ले लो
ये सही है, सही है, सही है, सही। अब एक लास्ट केस है उसको भी देख लो, यही बता देते हैं ठीक है। देखो ये एक नंबर था, ये दो नंबर था। अब मान लो सी जीरो हो गया, कुछ ना हो, तो ग्राफ हमेशा देखो एम, लेकिन एम पॉजिटिव है, अगर एम पॉजिटिव है और सी कुछ भी ना हो जीरो हो, तो देखो ग्राफ ऐसे जाएगा। क्लियर? इज इट क्लियर? रुको एक नया पेज लेके समझाते हैं, तुम्हें क्या पता है मैं समझ आ रहा है कि नहीं है। देखो अब यहाँ समझो, स्ट्रेट लाइन का पहला वीडियो है ना, तो तुम्हें कहीं हो सकता है कि बहुत ही कठिनाई हो समझने में। अरे मेरी जान, चल जा, चलो ठीक है। हाँ जी देखो, तो अब आओ देखो, y बराबर अगर mx प्लस c है, प्लस माइनस हो सकता है ठीक है, तो पहला बताए हैं m पॉजिटिव c भी पॉजिटिव, तो ग्राफ हमेशा ऊपर से, m पॉजिटिव c नेगेटिव, तो देखो पहला पता है ना कि m पॉजिटिव है, तो मतलब है पहला तीसरा, पहला तीसरा, पहला तीसरा, इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, देखो इसमें इसमें जाएगा, सी नेगेटिव माने नीचे से जाएगा, अब तीसरा के देखो एम पॉजिटिव माने पहला एम पॉजिटिव होना चाहिए, तब ना पहला तीसरा में जाएगा, और सी जीरो, तो ग्राफ तो जाएगा इसमें इसमें, लेकिन बीचवा से जाएगा। इज इट क्लियर? अब आओ अब बताते हैं एम नेगेटिव का केस। देखो ये देखो वाई बराबर एम एक्स प्लस सी है ठीक है। अब देखो एक नंबर एम आ गया नेगेटिव, तो तुम्हें पता है एम नेगेटिव होगा, तो देखो ना 17 नंबर में क्या पढ़ाए थे, एम अगर नेगेटिव होगा होगा तब दूसरा चौथा में जाएगा ठीक है। अब देखो ग्राफ जाएगा लेकिन दूसरा चौथा, तो दूसरा इसको एक बोलते हैं, इसको दो, इसको तीन, इसको चार, 1 2 3 4, तब ग्राफ हमेशा ऐसे 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 जाएगा, लेकिन कैसे कैसे जाएगा ये कौन बताएगा? सी, अगर सी पॉजिटिव हो एम नेगेटिव हो तो कैसे जाएगा? तुम्हें पता है कि जाएगा इसमें इसमें, लेकिन सी पॉजिटिव है तो ग्राफ के ऊपर से जाएगा, इसको ऊपर बोलते हैं, इसको बीच बोलते हैं, इसको नीचे बोलते हैं ठीक है। दो नंबर अगर एम नेगेटिव हो और सी भी नेगेटिव हो, तब ग्राफ हमेशा नीचे से जाएगा, जाएगा तो इधर है लेकिन नीचे जाएगा। तीन नंबर अगर सी जीरो हो एम पॉजिटिव हो, तो कहाँ से जाएगा ग्राफ? हमेशा बीच से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। क्लियर? अब आओ एक एग्जांपल लेते हैं, आओ एक एग्जांपल लेके समझाते हैं ठीक है। देखो एग्जांपल इजी लिख लो, क्या चलो वन नंबर वाई बराबर 2x+3, क्या का ड्रॉ दी ग्राफ, तो कैसे ड्रॉ करोगे? तो देखो तुम ये जाए ऐसे दिया है ना, तो तुम भी इसके नीचे अपना एक्सप्रेशन लिख लो, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, यही ना पढ़ा, पढ़े तो तुम यही हो, ये आया एग्जाम में, तो देखो कंपेयर करो, वाई वाई एम के जगह कितना है, एम के जगह 2 है, अब 2 का जगह प्लस माइनस कुछ दिया नहीं आ रहा, तो कुछ नहीं होता था, प्लस में होता है, और सी के आगे देखो तो ये भी +3 है, ये भी प्लस, ये भी प्लस। अब आओ रूल देखो 17 में, देखो एम पॉजिटिव तो ग्राफ पहला तीसरा में जाएगा, वो पता है ना भाई, ग्राफ खींच लो, वो खींच लो 1 2 3 4, देखो एम पॉजिटिव तो पहला तीसरा में जाएगा, माने इसमें इसमें जाएगा, चाहे नीचे से जाए, चाहे बीच से जाए, चाहे ऊपर से जाए, तो सी का मान भी पॉजिटिव, तो जब सी पॉजिटिव होगा तो देखो तो सी इज पॉजिटिव, देन ग्राफ पासिंग ओवर द, ओवर दी ओरिजिन, ओवर दी ओरिजिन माने ऊपर से जाएगा, वो भी खत्म, कितना आसान था। और तुमने दे दिया है 2x-3, अब कैसे बनाओगे? खींच दो एम पॉजिटिव माने समझो इसमें इसमें जाएगा, इसमें इसमें जाएगा, लेकिन सी देखो सी नेगेटिव है, सी इज नेगेटिव, तो नीचे से जाएगा, अरे नीचे से जाएगा, और नीचे तो ही है, नीचे से जाएगा, नीचे से जाएगा, बीच से मत ले जाना, चाहे ऊपर से मत ले जाना। आओ और समझाते हैं तुम्हें, जब तक समझ नहीं आएगा बेटा मैं छोड़ने वाला तो हूँ। अब देखो -2x+8 है, कहेगा ड्रॉ दी ग्राफ, तो खींच दो, एम बराबर देखो इस बार नेगेटिव है, सी बराबर पॉजिटिव है, थोड़ा सा मेरा थ्योरी पढ़ लेना तब जाकर समझ, एम नेगेटिव मतलब इसमें इसमें जाएगा 2 और 4 में,
लेकिन ऊपर से जाएगा, 20 से जाएगा कि नीचे से जाएगा, तो ये बताएगा। तो सी पॉजिटिव माने ऊपर, हो गया काम खत्म। थोड़ा स्टेट करना है मेरे से, मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो स्टेट नहीं हो पा रहा है, समझ में आया। अब ये बताना y इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स, इसका बताना क्या होगा। देखो m पॉजिटिव, m नेगेटिव, c भी नेगेटिव, जा तो तुम्हें पता है नेगेटिव m तो हमें में जाएगा लेकिन नीचे जाएगा क्योंकि c नेगेटिव है, समझ में आया। चलो यहाँ बता देते हैं, ठीक है। आप देखो y बराबर x का ग्राफ, अब देखो ये एग्जाम में पूछता है, तुम्हें पूछा होगा y बराबर मॉड x का ग्राफ कितना। लड़के सुबह सुबह में मैसेज आया कि मुझे स्ट्रेट लाइन समझ नहीं आ रहा, तो मैंने बोला कि देखो मुझे समझ में आ गया था कहाँ प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो देखो ये ग्राफ है मैं y बराबर x का, तो तुम भी इसके नीचे लिख लो, तुम पढ़े का हो एम एक्स प्लस सी पढ़े हो ना, तो ये देखो एक्स एक्स मिल गया, तो मतलब इसका कोफिशियंट एम के जगह कुछ नहीं होता वन होगा, होगा भी तो प्लस में होगा, और सी के जगह तो कुछ नहीं होता जीरो। तो अभी तो पढ़े हो एम पॉजिटिव, देखो एम पॉजिटिव तो पहला तीसरा में जाएगा। चलो ये कहाँ आ गया यार, कोई काम नहीं कर रहा है। हाँ देखो एम पॉजिटिव तो पहला तीसरा में जाएगा, पहला इसमें जाएगा, लेकिन सी अगर जीरो हो तो बीस से जाएगा, बीस से जाएगा, बीस से जाएगा, बीस से जाएगा, एकदम बीचों बीच जाएगा, ठीक है, एकदम बीचों बीच जाएगा, एकदम बीचों बीच, बीचों बीच, एकदम बीचों बीच जाएगा, ठीक है। अब चलो अब वाई बराबर माइनस एक्स का ग्राफ कोई पूछा तो क्या बताओगे, तो तुमसे पूछे हैं, पूछे का पूछते ही है वाई बराबर माइनस एक्स का ग्राफ, तो स्ट्रेट लाइन से कैसे बता। तुम्हारे पास एक ही हथियार है कि एम एक्स प्लस सी, एम के मान नेगेटिव, सी के मान जीरो, तो बताओ कैसे बनाओगे। देखो एम नेगेटिव माने तुम्हें पता है इसमें इसमें जाएगा, इसमें इसमें, लेकिन सी जीरो है तो का मतलब क्या है, यहाँ से जाएगा एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो देखो ना तुम्हें एग्जाम तुम्हें क्या होता है, टीचर ऐसे पूछता है कहता वाई बराबर मॉड एक्स का ग्राफ, अब बच्चे कन्फ्यूज, उन्हें पता ही नहीं बनाया कैसे। अरे मॉड को तोड़ोगे बच्चे, एक बार प्लस में एक्स एक बार माइनस में एक्स होता है, तो देखो प्लस वाला एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे आता है, माइनस वाला एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे आता है, और इसके पीछे कंडीशन होता है मॉड का, कुछ ग्रेटर देन जीरो, कुछ लेस देन जीरो, पता है नई बात, तो पढ़ोगे तो बता देगा टीचर। तो देखो इसका मॉड का ग्राफ ये नीचे वाला कैंसिल कर देता है, ऐसे लिख देता है ये देखो यही मॉड एक्स का ग्राफ। चलो हम तुम्हें होमवर्क देते हैं, मुझे बनाकर दिखाना कमेंट बॉक्स में, और कहीं भी ना समझ में तो पूछो, ना पूछोगे ना तो यहाँ रिलेशन नहीं समझना है कि हमारा ये हाँ तो वो है, भाई पूछो, टीचर से हमेशा पूछा जाता है। चलो y बराबर x 2x, y बराबर 1, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स माइनस 1, माइनस एक्स माइनस 2, y बराबर माइनस 3x बाई 2, सॉरी 2x तो 4, y बराबर माइनस सिक्स एक्स। अब देखो एक्स प्लस वाई बराबर टू, देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। चलो इसको एच डब्ल्यू ले लो, एच डब्ल्यू नहीं बट एच टी होम टास्क, ठीक है, इसको बना कमेंट में करो। अगर तुमने सब सही बताया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, अब ये नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा क्या दूंगा, ठीक है, तो इसको बनाओ, ठीक है, कहीं भी डाउट हो कमेंट में पूछ लिया करो, ठीक है, ओके, गुड लक, एंड विश्वास करते हो कि तुम्हें स्ट्रेट लाइन समझ में आया होगा। तुम पूरे यूट्यूब सर्च कर लोगे, इसके चक्कर में 5-5 घंटा का लेक्चर देख लोगे, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा कौन सा ग्राफ किधर जा रहा है। एक दिन और लेक्चर लेंगे जिसमें खाली ग्राफ ही बताएंगे, ठीक है, ओके बाय।